नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 60% बीमारियों के पीछे इन्फ्लामेशन ही होता है, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, जैसे कि फेरेंजाइटिस, जैसे कि लेरेंजाइटिस, जैसे कि साल्पेंजाइटिस, जैसे कि ब्रोंकाइटिस। तो टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो जाना, वहाँ पर सूजन आ जाना, आपको दर्द महसूस होना और हल्की सी जलन महसूस होना। साथ ही साथ फेरेंजाइटिस मतलब फेरेंक्स में इन्फ्लामेशन हो जाना, वहाँ पर सूजन होना, वहाँ पर दर्द होना। फिर उसके बाद लेरेंजाइटिस मतलब लेरेंक्स में इन्फ्लामेशन होना, वहाँ पर सूजन होना, वहाँ पर दर्द होना। तो दोस्तों, बीमारियाँ अलग अलग कारणों से होती हैं, लेकिन उन कारणों के कारण इन्फ्लामेशन होता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाना और ख़राब खाना खाते हैं तो आपके पेट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम गैस्ट्राइटिस भी बोलते हैं आमतौर पे। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस और एक होता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट का मतलब है तुरंत, मतलब जैसे आपने खाना खाया और ख़राब खाना खाया जिसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, तो आपके पेट में गया और पेट में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हुई, और उसको हम आमतौर पर फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं दोस्तों। और एक होता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, जिसमें आप हमेशा तेल मसाला मिर्ची खाते रहते हैं और जिसके कारण धीरे 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 पेट में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता रहता है और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसमें आपको जब आप खाना खाते हैं तो जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होती है और पेट में सूजन महसूस होती है। तो दोस्तों, अगर हमारे शरीर में कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है तो उस जगह के नाम के पीछे आइटिस लगा रहता है। अगर कहीं भी आइटिस शब्द आपको सुनने को मिले, इसका मतलब है कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया है। तो दोस्तों, इन्फ्लामेशन जब होता है, जब कभी कीटाणु जीवाणु या कभी हमें चोट लग जाए या हम कभी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारे लिए हानिकारक हो, तो वहाँ पर धीरे 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 इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है और हमें कुछ लक्षण महसूस होते हैं। दोस्तों, इन लक्षण में सबसे आम लक्षण है दर्द। तो जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पर हमें दर्द महसूस होगा। दूसरा लक्षण है गर्मी। तो जहाँ पर भी हमें इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पर हमें गर्मी महसूस होगी, मतलब अगर पेट में इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, तो पेट में जलन और पेट में गर्मी महसूस होगी। उसके साथ जहाँ पर भी ये इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर लालपन मतलब रेडनेस दिखाई देती है और सूजन भी हो जाती है दोस्तों। और लास्ट में जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होता है वो एरिया, वो अपना जो काम होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। जैसे गैस्ट्राइटिस का एग्जांपल ले लेते हैं, तो पेट का काम क्या होता है? पेट का काम होता है खाने को पचाना और अच्छे से खाना डाइजेस्ट कराना। दोस्तों, ये काम पेट अच्छे से नहीं कर पाता, जिसके कारण हम अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, हमें भूख नहीं लगती है, और जब हम खाना खाते हैं तो अजीब सी फीलिंग होती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो जो फंक्शन होता है वो भी कम हो जाता है या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इन्फ्लामेशन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और लगभग 60%, जैसा मैंने पहले ही बताया कि 60% बीमारियां इन्फ्लामेशन के कारण होती हैं, चाहे वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो चाहे वो एक्यूट इन्फ्लामेशन हो। दोस्तों, इसकी आज मैं एक जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा। अगर आपको एक्यूट इन्फ्लामेशन या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और कोई भी बीमारी हो जिसमें इन्फ्लामेशन होता है, आप ये मेडिसिन लेंगे तो आपको आराम लगेगा। अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन है तो तुरंत आराम लगेगा और ठीक हो जाएगा। अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है तो थोड़ा सा समय लगेगा और वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये ड्रॉप है डॉक्टर रैकवेक जर्मनी की R1 इन्फ्लामेशन ड्रॉप। दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रॉप है। अगर आपको इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है, चाहे वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो चाहे वो एक्यूट इन्फ्लामेशन हो, और बहुत सारी बीमारियों में ये ड्रॉप आप उपयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई हैं, उसके क्या क्या असर होते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताऊँगा कि आप कौन कौन सी बीमारी में इसे यूज़ करें और कैसे इसे यूज़ करें, और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा ये आपको कहाँ पर मिलेगी और कितनी प्राइस है ये बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई हैं। सबसे पहली मेडिसिन है एपिस
दोस्तों एपिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इन्फ्लामेशन के लिए, खासकर एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए, मतलब तुरंत सूजन और अगर जलन होती है कहीं पर भी और आपको दर्द होता है तो एपिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन इसमें बैरियम क्लोरेटम मिली हुई है। दोस्तों इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होने के बाद सूजन आ जाती है हमारे लिम्फ नोड में, इसके लिए बैरियम क्लोरेटम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो तीसरी मेडिसिन है बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना इन्फ्लामेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, मैं इसे किंग ऑफ इन्फ्लामेशन भी बोलता हूँ। तो कहीं पर भी इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है, सूजन बहुत ज़्यादा होती है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। बेलाडोना बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर लंग्स में इन्फ्लामेशन हुआ है और कंजेशन बहुत ज़्यादा है, कफ बहुत ज़्यादा है, साथ में दर्द भी हो रहा है सांस लेने में, तो बेलाडोना बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक मेडिसिन है कैल्केरिया आयोडेटम। दोस्तों अगर टॉन्सिलाइटिस बार बार होती है और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो कैल्केरिया आयोडेटम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो एक मेडिसिन है हिपरसल्फ। दोस्तों इन्फ्लामेशन होने के बाद सिक्रीशन चालू हो जाता है, मतलब अगर लंग्स में इन्फ्लामेशन हुआ है तो कफ बनना और कफ निकलना चालू हो जाता है, हिपरसल्फ इस सिक्रीशन को रोकती है। एक मेडिसिन है काली बिच क्रोमियम। दोस्तों काली बिच क्रोमियम साइनोसाइटिस के लिए, राइनाइटिस के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक मेडिसिन है मैरम वैरम। दोस्तों ये गैस्ट्राइटिस की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और पेट में अगर इन्फ्लामेशन होता है, सूजन, दर्द, गैस ज़्यादा बनती है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मेडिसिन है मर्कसॉल। दोस्तों मर्कसॉल बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के लिए, खासकर थ्रॉट में इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लामेशन होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है और पेट में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होता है, तो मर्कसॉल बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लास्ट में इसमें फाइटोलक्का डी डली हुई है। दोस्तों फाइटोलक्का बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है इन्फ्लामेशन के लिए, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के लिए, लंबे समय तक अगर आपको इन्फ्लामेशन होता है और ये कंडीशन ट्यूबरकुलोसिस में भी होती है तो फाइटोलक्का ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, ऑर्थराइटिस के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये थी R1 में डली हुई मेडिसिंस। दोस्तों अब चलते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो दो तरह से मैं डिवाइड करता हूँ। पहला एक्यूट इन्फ्लामेशन, सो ऐसी कंडीशन जिसमें तुरंत आपको सूजन, दर्द, जलन महसूस होती है और 5-6 दिन में ठीक हो जाता है, जैसे कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, जैसे कि एक्यूट फेरेंजाइटिस, जैसे कि एक्यूट थ्रॉट इन्फेक्शन, जैसे कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस, जैसे कि मम्स की प्रॉब्लम, तो मम्स भी एक इन्फ्लामेशन है। तो ये सभी प्रॉब्लम तुरंत होती हैं हमें और कुछ दिन के बाद ठीक हो जाती हैं। दोस्तों इस कंडीशन में R1 का आपको उपयोग करना है, 10 बूंद 1/4 कप पानी में और थोड़ा सा गुनगुना पानी रखिएगा। थोड़े से गुनगुने पानी में आप 10 बूंद डालिए, एक बार पीजिए, 1 घंटे बाद फिर पीजिए, फिर 1 घंटे बाद फिर पीजिए और 1-1 घंटे में R1 को पीते रहिए, जब तक आपके सिम्टम्स मतलब दर्द, सूजन, जलन ठीक नहीं हो जाता है तब तक आप इसे पीते रहिए। 2 दिन के अंदर प्रॉब्लम आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। 2 दिन तक लगातार 1-1 घंटे में पीजिए। उसके बाद 3रे दिन से आप वही 10 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 5 बार, सुबह, दोपहर, शाम और शाम को 1 बार और रात में, तो 5 बार आप यूज़ करिए। लगातार इसे 2-3 दिन और यूज़ करिए, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से, एक्यूट जो इन्फ्लामेशन है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की तरफ। तो अगर आपको मेनिनजाइटिस की प्रॉब्लम है, अगर आपको क्रॉनिक साल्पेंजाइटिस की प्रॉब्लम है, अगर आपको क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, अगर आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, अगर आपको क्रॉनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, तो आप ये मेडिसिन वही 1/4 कप गुनगुने पानी में 10 बूंद डाल के सुबह 1 बार पीजिए, दोपहर में 1 बार पीजिए और रात में 1 बार पीजिए। ये मेडिसिन 2 से 3 महीने तक लेंगे तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कहीं भी जलन, सूजन या दर्द महसूस होता है तो ये मेडिसिन आप ज़रूर उपयोग करें। और घर पे रखने के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, घर पे इसे ज़रूर रखें। किसी को भी जलन, सूजन या दर्द महसूस होता है तो 10 बूंद 1/4 कप पानी में लगभग 1-1 घंटे में 2-3 बार देंगे तो वो दर्द, सूजन और जलन ठीक हो जाएगा।
तो घर पे ज़रूर रखिएगा। R1 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और घर पे रखने लायक मेडिसिन है, क्योंकि इन्फ्लामेशन होता ही रहता है। जैसे हमने कुछ ख़राब खाना खाया तो इन्फ्लामेशन हो गया, या ठंडा पानी पी लिया तो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। दोस्तों ये मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप में आराम से मिल जाएगी। ये मेडिसिन आपको 22 ml की फ़ाइल में मिलेगी और 220 रुपये की ये आपको मिलेगी। घर पे ज़रूर रखिएगा, इन्फ्लामेशन होता ही रहता है, इन्फेक्शन होता ही रहता है। और कोई मेडिसिन हो ना हो, ये मेडिसिन अगर घर पे रहेगी तो आप तुरंत ले सकते हैं और तुरंत आपको आराम लग जाएगा टॉन्सिलाइटिस में, लेरेंजाइटिस में, फेरेंजाइटिस में, गैस्ट्राइटिस में, ऑर्थराइटिस में और जितनी भी आइटिस होती हैं सब में। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।